दलों को साथ लेकर कैसे फंसी बीजेपी, कैसे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी का खेला बिगाड़ दिया। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? एक के बाद एक सारे तीर अपने तरकट से निकाल रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उसके तुरंत बाद भारत रत्न राजनीति, हल्द्वानी में सांप्रदायिक दंगे, अब पूरे देश में इंडिया गठबंधन के दलों को आपस में लड़ाकर उनको अपना सहयोगी बनाने का काम करना पड़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया तो बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में शामिल छोटे दलों को अपने साथ लाने के लिए साम दाम लगा दिया और भारत रत्न का खेला खेल दिया। लेकिन इस प्रयास में बीजेपी कैसे फंस गई, इसका एहसास बीजेपी को तब होगा जब उसे खुद पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इसीलिए बीजेपी अपनी सीट 300 के पार बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उत्तर भारत के छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी भारत में गुजरात की सब सीटें मिला ली जाएं तो इनकी संख्या 260 ही होती है। असम, बंगाल, महाराष्ट्र की सीटें मिलाकर 104 हैं। अब बीजेपी अगर 100% सीट जीते तो ही उसका कुल 364 होगा। 400 सीट तो बीजेपी 100% जीत कर भी नहीं पाएगी। ऊपर से उत्तर प्रदेश में अपना दल एस निषाद पार्टी, SBSP, RLD और हरियाणा में JJP, पंजाब में अकाली दल, बिहार में JDU, RLP, हमसे गठबंधन, महाराष्ट्र में गठबंधन मतलब बीजेपी अपने सहयोगियों को कम से कम 100 सीट देगी। अब 100 सीट सहयोगी लड़ेंगे तो बीजेपी इन राज्यों में 260 सीट पर ही लड़ेगी। 100% सफलता किसी दल को नहीं मिलती है, जैसा महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश आदि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के जाल में कैसे फंसी बीजेपी। जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, सरकारी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं और विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़ने लगे। कुछ नेता इन छापों से बचने या सहूलियत मिलने की उम्मीद में टूटने लगे। यह दल जो टूट रहे थे और बीजेपी के साथ जा रहे थे, उनके दिल में सही बात थी कि क्यों जा रहे हैं। अब इन दलों की राजनीति बीजेपी पर आधारित हो जाएगी। अब बीजेपी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि अपने सहयोगियों को चुनाव जिताए। अगर बीजेपी नहीं सहयोग करती है तो विपक्ष जीत जाएगा। इसका प्रयोग बिहार चुनाव में हो चुका है, जब बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी से अपने प्रत्याशी नीतीश के खिलाफ खड़े कर दिए और RJD जीत गई। जब बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और वे सहयोगी जिनकी विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं करती है और लोकसभा चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो इनको कौन रोकेगा। ऐसे ही सहयोगी सबसे पहले पाला बदलेंगे, क्योंकि बीजेपी तो कम महत्व देती लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको भरपूर मौका मिलेगा। यह दल जो साथ आ रहे हैं सब सेकुलर हैं और उनकी विचारधारा नहीं बदली है। सोचिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 सीट जीती थी, इस बार बीजेपी अपनी खुद की 55 से 60 सीट ही जीत सकती है अधिकतम, क्योंकि 15 तो सहयोगी को देगी और सपा 5 से 15 सीट जीत सकती है। सहयोगी तब तो बीजेपी में रहेंगे जब बीजेपी की अपनी बहुमत रहेगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सहयोगी सबसे पहले साथ छोड़ेंगे। इसी तरह बिहार में बीजेपी केवल 17 सीट पर लड़ेगी और नीतीश की 17 सीट भी जितवाने में मदद करेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो RJD जीत जाएगी और अगर नीतीश ही जीते तो इंडिया गठबंधन में उनकी प्राथमिकता होने के चांसेस हैं। अगर बीजेपी को बहुमति नहीं मिली तो नीतीश क्यों साथ रहेंगे, ये जरा आप ही सोचिए।
बीजेपी इंडिया गठबंधन के जाल में खुद फंस गई है। बीजेपी के थिंक टैंक भी नहीं सोच पा रहे हैं कि कुनबा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बंटवारा भी तो करना है, और 100% सफलता कैसे मिलेगी? देखते रहिए एमटी टॉक शो चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन करके हमारी मदद करें।